देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ऐसी आस लगाए ये बैठे हुए हैं कि मैजिक फिगर के ऊपर उनके खुद के सीट रहेंगे ताकि वो अपनी सरकार खुद बना पाए। हम इस वक्त चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के घर पे हैं। वो अंदर हैं, वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। देख सकते हैं वहाँ पे मीडिया का झुंड है, क्योंकि वो निकलते ही मीडिया को एड्रेस करेंगे। वो अपने सीट पे बढ़त बनाए रखे हुए हैं। तो इसी तरह बाकी जो दिग्गज बीजेपी के नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिष्णुदेव वर्मा, वो भी एक बहुत स्लिम मार्जिन से आगे चल रहे हैं। और जो CPM के आला नेता हैं, अपोजिशन के अनऑफिशियल चीफ मिनिस्टर फेस जितेंद्र चौधरी, वो भी बहुत स्लिम मार्जिन से आगे चल रहे हैं। तो आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे सीट ऐसे हैं, आधा डजन सीट अभी भी ऐसे हैं जहां पे कि लास्ट राउंड काउंटिंग तक कुछ कहा नहीं जा सकता है किस तरफ जाती है। और त्रिपुरा का ये हिस्ट्री रहा है कि 2 से 10 वोटों के अंतर से भी फैसला हुआ है इसके पहले इलेक्शंस में। तो अगर उस तरह देखें तो ये जो आधा डजन सीट है ये इम्पोर्टेंट है। मगर एक ओवरऑल पिक्चर जो हमें दिख रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। और इसके साथ साथ और एक पिक्चर क्लियर हो रही है कि कांग्रेस जिसके जो जीरो थी वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है 3 से 4 सीटों में। तो जो दिख रहा है कि जो एक क्वेश्चन था जो हमने भी रेज किया था कि जो कांग्रेस को जो सीट बढ़ रहे हैं उसमें ऐसा दिख रहा है कि जो CPM का वोट ट्रांसफ़र कांग्रेस के तरफ हुआ है, मगर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो वोट ट्रांसफ़र है, कांग्रेस के जो वोट्स हैं वो CPM के तरफ नहीं गए हैं। इसीलिए जो लेफ्ट अलायंस है वो जितना अच्छा करने की वो दावा कर रही थी उतना अच्छा अभी तक कर नहीं पाई है। उसके साथ साथ तिपरा मोथा पार्टी पहली बार लड़ रही है, दो साल पुराना पार्टी है, अब 12 सीट में आगे चल रही है। वो अपेक्षा रखते हैं कि और एक दो सीट उनके मिल जाएगी और एक किंग मेकर के रूप में उभर के आएंगे। मगर अब जो रणनीति के बारे में आप पूछ रहे हैं, जितना मेरा बात हुआ है सभी पार्टियों के बीच, तिपरा मोथा और बीजेपी के बीच, रणनीति को लेके बीजेपी अपनी प्लान बी प्लान सी तैयार है, उनका दावा है, मगर वो अपनी प्लान ए पे स्टिक करना चाहते हैं और होपफुल है कि वो अपने दम पर सरकार बना पाएंगे। क्योंकि उनकी जो सहयोगी पार्टी है IPFT, वेरी सरप्राइजिंगली वो एक सीट में आगे चल रहे हैं जहां पे कि इतना दबदबा नहीं था, और एक सीट में इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं। शायद वो सीट वो जीतेंगे, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो दो सीट हैं इन दोनों के साथ बीजेपी इसी आशय पर अभी भी जुटी हुई है कि उनका खुद का टैली 31 जो कि मैजिक फिगर है उसके ऊपर रहेगा और अपने ही एलाइज के साथ वो सरकार बना पाएंगे। क्योंकि तिपरा मोथा के साथ इसके पहले भी प्रीपोल अलायंस की बात हुई और वो फेल कर चुका है, और कहीं ना कहीं पे एक कंफर्टेबल कंफर्ट जोन थोड़ा कम है बीजेपी का भी तिपरा मोथा पार्टी के साथ, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि तिपरा मोथा के जो मुखिया हैं प्रदीप। सौरभ भी हमारे साथ हैं शिलोंग में और वहां पर जश्न हो रहा है। सौरभ, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो हर पार्टी अपने आप में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का सेलिब्रेशन भी है। क्योंकि बीजेपी को शायद लगता है इस वक्त कि NPP का जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है अभी तक, उसमें बीजेपी और NPP अगर एकजुट हो गए तो सरकार बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है, और यही उम्मीद नहीं लेकिन बीजेपी की जो बढ़त है फ्लैग्स। सौरभ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किस बात का जश्न है, क्योंकि बीजेपी की अगर आप बढ़त देखें मेघालय में तो वो तो 3 ही सीटों पर है। अगर वो ये 3 जोड़ भी लेते हैं NPP के 24 से तो भी सरकार नहीं बनेगी, ये 3 में क्या खुशी? देखिए, उनका ये है कि जो सीट है उनकी ये बीजेपी का, यहाँ पे उनका जो एम था उनको सीट बढ़ाने का एम था, उनको हमेशा से पता था कि मेघालय में वो उस पोजीशन में नहीं पहुंच सकता है जहां पे वो डिक्टेट कर सकते टर्म्स ऑफ अलायंस या गवर्नमेंट फॉर्मेशन। लेकिन अभी जो स्थिति है जहां पे NPP का अगर 25 के आसपास या उससे थोड़ा कम भी सीट आ जाते हैं, उनके जो पुराने अलाय है, संकेत में आपको पीछे दिखाना चाहूंगा पीछे, और जो छोटे पार्टीज है उनका भी सेलिब्रेशन है, UDP भी है जो पुराने अलाय है, और बीजेपी का जो कुछ सीट है जो वो मिलके जो लास्ट टाइम का जो समीकरण बना था वो बिल्कुल यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं।
तो यही स्थिति यहाँ पे बनने जा रहा है। हर बार हमको मालूम है मेघालय में कभी क्लियर मैंडेट किसी एक पार्टी को नहीं मिलता है, हंग असेंबली होता है, लेकिन जो स्थिति अभी दिखाई दे रहे है उसमें और उनका जो की मैन है इस क्षेत्र में हिमंत बिस्व शर्मा, उनका अभी तक जो हमें बताया जा रहा है, कॉनराड सांगमा से बात तो हो ही चुके हैं, रात को मीटिंग हुआ था रेडिसन ब्लू होटल में, लेकिन वो अभी दूसरे दलों के नेता से भी बात शायद करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी मार्क 30-31 है, अभी एक सीट का तो नहीं है, तो इसमें 60 मेंबर असेंबली में 31 मेजॉरिटी मार्क होता है, वो उससे भी कम हो सकता है, तो उसमें अगर एनपीपी का ये जो 24 के आसपास जो नंबर्स है गारो हिल्स में, जिसे एनपीपी का स्वीप माना जाएगा, उसके बाद अगर हम देखें बीजेपी का जो कुछ सीट्स है 30 या जो मैजिक फिगर है मेजॉरिटी मार्क से ज़्यादा दूर नहीं है और मैनेजेबल है बीजेपी के लिए, इसीलिए ये जश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी के जो सपोर्टर्स है काफ़ी एक्साइटेड है, उन्होंने तय कर लिया है कि उनके तरफ से सरकार जो है एमडीए अलायंस जो है रिपीट होगा। अब इस बार अलायंस में यूडीपी कितना रहेगा, बीजेपी कितना रहेगा और एनपीपी, ऑफ कोर्स अगर उनके सबसे ज़्यादा सीट होते हैं तो उनके जो स्ट्रेंथ है अलायंस के अंदर वो बढ़ेगा, तो मेघालय में ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल है कि एक पार्टी को तो मैंडेट कभी नहीं मिलता जी, है जी सौरभ, लेकिन जो अभी नंबर्स है उस पर अगर हम बात करें तो ये बीजेपी के लिए भी अपना जो एम है वो पूरी कर रहे हैं, वो थोड़ा अपना स्टैचर बढ़ा रहे हैं अलायंस में,